अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लच्छा पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको फोर टाइप्स ऑफ लच्छे पराठा बनाने का तरीका बताऊंगी। ये बहुत जबरदस्त है, बहुत सॉफ्ट बनता है। इसे बनाने के लिए जो हम लोगों को चीजें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर, जो मैदा होता है हमारा, वो मैंने लिया है 2 कप। फुल फैट मिल्क जा रहा है, ये ल्यूक वार्म मिल्क है हमारा, फुल फैट अबाउट 1 कप के अराउंड है। साथ में इसमें हमारा सॉल्ट जा रहा है, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून एक का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और साथ में इसमें हाफ कप ऑफ आपका ऑयल जा रहा है, आप चाहें तो बटर या घी किसी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फर्स्टली हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों का मैदा है इसमें हम लोगों का नमक और चीनी जो मैंने आपको दिखाया ये चला जाएगा। इसे पहले मिक्स कर लेंगे हम लोग अच्छे से। ये देखिए, इसे हम लोग पहले सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हम लोगों को। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे सो डैट सॉल्ट एंड शुगर जो हमारा है अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और इसी में फिर हमारा एग जाएगा। ये देखें, मैं इसमें एग ऐड कर दे रही हूँ, एग चला गया हमारा। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग, अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसी में जो मैंने आपको ऑयल दिखाया था, देखिए ऑयल मैं इसमें पूरा नहीं डालने वाली हूँ, हाफ इसमें डालूंगी, हाफ में बचा के रखूंगी। जब हम लोग इसको शेप देंगे तब भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी, तो उस वक्त डालना है हम लोगों को। और इसी में हमारा चला जाएगा ऑयल, हाफ ऑयल हमारा चला गया, हाफ मैंने बचा लिया है। इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से पहले से हम लोग मिक्स कर लेते हैं, देन इसमें जो ल्यूक वार्म मिल्क हमारा है वो ऐड होएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। और जो मैंने आपको मिल्क दिखाया था ये मिल्क हमारा जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, मिल्क थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जितनी जरूरत रहेगी उतना मैं यूज करूंगी। और अच्छे से अगर हो गया कम में तो और नहीं ऐड करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर और मिल्क लेकर के ऐड करना है हमें। इसका मैं फाइन सा डो बना लेती हूँ। ये देखें इस तरीके से, ये देखिए हमारा डो रेडी हो चुका है। अब इस पे जो है थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी मैं, ऑयल लगा के इसे रेस्ट के लिए मैं छोड़ दूंगी फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट। आफ्टर 10 to 15 मिनट मैं आपको इसे दिखाती हूँ। इसे कवर करके 10 to 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 15 मिनट के लिए। ये देखिए 15 मिनट हो चुका है और हमारा डो रेडी हो चुका है। अब इसमें से हम लोग निकालेंगे, सरफेस हमारा बिल्कुल क्लियर है। और इस पे जो है हम लोग इसे इस तरीके से रोल करेंगे और इक्वल पार्ट में हम लोग पेड़ा बना लेंगे इसका। ये देखिए इक्वल साइज के पेड़े मैंने बना लिया है। अब वन बाय वन पेड़ा लेंगे मैं, और सरफेस पे जो है मैदा डस्ट करना है हम लोगों को इस तरीके से, और पेड़े को जो है साइडों से इस तरीके से दाब लेना है हम लोगों को इस तरीके से। देखें साइडों से दाब लेना है हम लोगों को, और फिर जो इसे सरफेस पे रखेंगे विद द हेल्प ऑफ रोलिंग पिन इसे हम लोग शेप दे देंगे बड़ा सा। ये देखिए रोलिंग पिन की हेल्प से मैं इसे बेल लूंगी अच्छा सा, बड़ा सा हम लोगों का बिला जाएगा ये। अगर जरूरत पड़े तो आप इसमें ऑयल लगा करके और बारीक कर सकती हैं, क्योंकि हम लोग को बड़ी सी इसकी रोटी पहले बेलनी है, फिर ही हम लोगों का ये पराठा बन पाएगा अच्छे से। इस तरीके से देखें हमारा ये बिला रहा है। बाकी जो है अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी इस तरीके से स्ट्रेच कर सकती हैं, इस तरीके से हाथ से स्ट्रेच करने से। ये देखें इस तरीके से मैंने इसे बड़ा सा बेल लिया है। अब इसमें हम लोगों को ऑयल लगाना है, पहले ऑल ओवर हम लोग ऑयल लगा लेंगे अच्छे से, ताकि ये जो हम लोग की लेयर जो निकले वो बहुत अच्छे से निकले। इस तरीके से पूरे में ऑयल लगा लेती हूँ अच्छे से पहले। ये देखें
और अब इसके ऊपर जो है हम लोग थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हैं इस तरीके से, ये देखें। एंड देन हम लोगों को क्या करना है, अगर आपके पास कटर है तो आप कटर ले लें, वरना नाइफ से आप इसे जो है बारीक बारीक जो है बिल्कुल बारीक बारीक पूरे में निशान दे देना है हम लोगों को। इस तरीके से सारी बारीक लाइन जाएगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है पराठा बनाने का। इसी तरीके से मैं पूरे में बारीक लाइन, आप देख सकती हैं कितनी बारीक लाइन मैं डाल रही हूँ, पूरे में ऐसे ही बारीक कट चला जाएगा हमारा। देखिए इसकी शेप का, अभी अभी इसकी शेप का जो है कोई मसला नहीं है, आप जैसे भी करके इसे बस इस तरीके से करना है बारीक बेल करके और इसे बारीक लाइन से कट कर देना है। और इसके बाद वाला जूस जो होता है हम लोगों को, उसमें हम लोगों को इसका परफेक्ट शेप देना होता है। इसी तरीके से मैं सभी को कट कर लूंगी। ये आप देख सकती हैं इसमें पूरे में मैंने बारीक कट लगा दिया है। अब इसे इस साइडों से उठाएंगे इस तरीके से, या फिर आप हाथ से कर लें, नाइफ से कर लें, अप योर विश। इस तरीके से करना है हम लोगों को, सबकी अलग अलग इस तरीके से लाइनिंग से उठ जाएगा ये। इसी तरीके से सभी को उठा करके रोल कर लेना है हम लोगों को। ये देखें इस तरीके से जो है ये सभी को रोल कर लेंगे हम लोग, ऐसे ये रोल हो जाएगा हमारा। ये देखें इस तरीके से ये सारा रोल हो गया हमारा, और ये इस तरीके से करते हुए आपको जो है ये इसका बड़ा सा हम लोगों को रोल की तरह बना लेना है। ये देखें काफी बड़ा सा हम लोगों का बन चुका है। और अब हम लोग एक कॉर्नर लेंगे इसका इस तरीके से, और इसे जो है फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, ये फोल्ड करते रहेंगे। ये देखें, ये देखें इस तरीके से ये फोल्ड होता जाएगा हमारा, और इसे यहाँ पे हम लोग टक कर देंगे इस तरीके से। हमारा ये एक फर्स्ट स्टेप जो है इस तरीके से हमारा रेडी हुआ है। एक तरीका मैंने ये दिखाया है, बाकी का तरीका मैं और आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसे एक साइड पे रख देंगे। ये देखें दूसरी रोटी जो है मैंने बड़ी सी बेल लिया है, अब इस पे ऑयल डालेंगे इस तरीके से, चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे, और इसके ऊपर जो है हम लोग मैदा डस्ट करेंगे इस तरीके से, ये मैदा चला जाएगा। और अब जो है इस तरीके से हम लोगों को एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए बनाते जाना है इस तरीके से, इस तरीके से ये ओवरलैप होते हुए ये हमारा बनता जाएगा। ये देखें इस तरीके से हमारा ओवरलैप होता जाएगा और ये बनता जाएगा, ओवरलैप होता जाएगा और ये बनता जाएगा। और अब जो है इसे भी हम लोगों को इस तरीके से रोल करते हुए बड़ा सा कर लेना है, रोल करते हुए इसे भी हम लोगों को बड़ा सा कर लेना है इस तरह से। इसे हम लोग रोल करेंगे इस तरीके से, रोल करेंगे और अगेन इसे जो लेकर के यहाँ पे इस तरीके से टक कर देना है हम लोगों को। ये दूसरा तरीका हमारा रेडी हुआ। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको, अगेन पिड़ा लेंगे, सेम प्रोसेस, बड़ा सा बेल लेते हैं पहले। ये देखिए मैंने बड़ा सा बेल लिया इसे, और इसके चारों तरफ जो है अच्छे से ऑयल लगा लेंगे हम लोग, और इसके ऊपर जो है हम लोग मैदा डस्ट करेंगे इस तरीके से। सेंटर से हम लोगों को होल करना है, इस तरीके से होल किया मैंने, और इस होल को जो है इस तरीके से करते हुए, देखिए इस तरीके से कर रही हूं मैं, इस तरीके से होल को करते हुए बड़ा सा पूरा कर लेना है हम लोगों को। ये देखें, ये देखें अच्छे से हम लोगों ने बड़ा सा होल बना लिया है। एक साइड से हम लोग इसको कट दे देते हैं, इस साइड से मान लें कट दे दिया मैंने, और ये इतना बड़ा सा हम लोगों का बन चुका है, देख सकते हैं। इसे क्या करना है हम लोगों को, स्पाइरल करना है इस तरीके से, जो है फोल्ड करते जाएंगे, ऐसे फोल्ड होता जाएगा हमारा, सभी को ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे हम इस तरीके से। देखें अच्छे से मैंने इसे इस तरीके से कर लिया है,
ये देखें, ये हमारा रेडी है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, अगेन जो है हम लोगों को रोटी भी लेनी है। ये देखिए मैंने रोटी बेल लिया है, अब हम लोगों को इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ऑयल लगा लेते हैं पहले अच्छे से चारों तरफ, और फिर हम लोगों को क्या करना है, मैदा डस्ट करना है। इस तरीके से मैदा डस्ट कर देंगे, देन यहां से हम लोगों को कट लगाना है। सेंटर से लगाया है, बिल्कुल देखिए सेंटर से कट लगाना है, और इससे इस तरीके से यहां से पकड़ते हुए इस तरीके से हम लोगों को रोल करती जाना है। इसी तरीके से पूरे रोल कर लेना है हम लोगों को। ये देखें इस तरीके से ये रोल हो चुका है। अब ये पाम पे हम लोग रखेंगे, सॉरी पाम पे इस तरीके से रखेंगे, और इसे जो है इस तरीके से हम लोगों को इसे जो है इस तरीके से घुमाते हुए इस साइड मैंने इसका लॉक लगाया है, तो इसी के डायरेक्शन में हम लोगों को करते हुए इसे घुमाते हुए इस तरीके से ऐसे टक कर देना है। ये देखें, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करती हैं तो फिर वो खुलता जाएगा, तो सेम ही डायरेक्शन में करना है। इस तरीके से ये हमारा रेडी हो चुका है। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, वन बाय वन लेंगे। सबसे फर्स्ट वाला हम लोगों का पेड़ा इस तरीके से लेंगे, सरफेस पे ऑयल डालेंगे अगर रिक्वायरमेंट है तो। बिल्कुल हल्के हाथों से हम लोगों को प्रेस करना है, बहुत कस की मत कर दीजिएगा, वरना जो इसका लेयर बना है वो सब एक दूसरे में चिपक जाएगा। और ये हल्के हाथों से विद द हेल्प ऑफ रोलिंग पिन मैं इसे शेप दे दूंगी इस तरीके से। सभी को मैं ऐसे ही शेप देते हुए बना लेती हूँ और आपको दिखाती जाती हूँ इसी तरीके से। ये देखें बहुत जबरदस्त ये बनता जा रहा है हमारा। इंशाल्लाह ये बनने के बाद जब रेडी होएगा हम लोगों का फाइनल, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से लेयर भी निकलेगी। ये देखें इस तरीके से, देखिए लच्छा पराठा जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, बहुत ज्यादा बारीक बेला हुआ नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा थिक ही बेला हुआ होता है। आप इसे बहुत ज्यादा बारीक करने की कोशिश मत कीजिएगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जितना बड़ा बिलाया था उतना बड़ा नहीं बिलाएगा ये आपका, ये आपका इसी साइज का होगा। इतना बड़ा मैंने इसे बना लिया है, और सभी को मैं इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसे सेक के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से हल्के हाथों से हम लोगों को बेलना है, ध्यान दीजिएगा इसे हम लोगों को बहुत स्पीड में या फिर बहुत प्रेशर देकर के नहीं बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलते हुए इसे शेप देते हुए एक दरमियाना साइज दे देंगे हम लोग। लेकिन मैं आपको बार बार बता रही हूँ इसे हल्के हाथों से करना है हम लोगों को, जोर देकर आगे खींच करके नहीं कीजिएगा। ये देखें ये हमारा रेडी हुआ है, दो यहाँ है हमारा, और ये देखें इस तरीके से हमारा दो यहाँ पर रखा हुआ है। ये हमारा दोनों रेडी हो चुका है, और आपको अब मैं इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसे फ्राइंग पैन में डाल दिया है, नीचे में मैंने सबसे पहले ऑयल लगा दिया था, और अब जो इसे रख दिया है एक साइड का हो जाएगा, देन हम लोग इसे टर्न कर देंगे दूसरे साइड। अभी जो है हुआ नहीं हमारा, देख सकती हैं आप, थोड़ा सा और होएगा एक तरफ का, ये देखें अभी और होना है, थोड़ा सा हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका। ये देखें एक साइड का हो चुका है, अब इसे जो है केयरफुली हम लोग टर्न कर दे रहे हैं इधर, और इस साइड जो है हम लोग ऑयल लगा लेते हैं अच्छे से। देखिए लच्छा पराठा है, जाहिर बात है ऑयल जाएगा, या घी बटर जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, अप टू योर विश। इस तरीके से ये जा रहा है, हमारा फ्लेम हाई पे है, बिल्कुल हाई पे नहीं है, मीडियम टू हाई के बीच में मैंने रखा है फ्लेम। इस तरह से दूसरे साइड का हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे साइडों से डालें ताकि नीचे वाले सरफेस पे भी चला जाए आपको ऑयल। और अब जो है हम लोग इसे टर्न करके देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है, और ये हो भी चुका है कुक इस तरह से। ये और आप देख सकती हैं लेयर बाय लेयर आपको दिख रहा है, ये माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त सा लेयर बाय लेयर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। देखें
ये देखिए हम लोगों का माशाल्लाह से लच्छा पराठा बहुत जबरदस्त है विथ लेयर। आप देख सकती हैं इस तरीके से इसकी लेयर देख सकती हैं, देख सकती हैं आप लेयर कितनी बेहतरीन से इसकी लेयरिंग आई है। इसे निकाल लेती हूँ अब मैं प्लेट पे, पहले निकाल लेती हूँ इसे इस तरीके से। देखें इधर से भी आप लेयर देख सकती हैं इसकी, और इसी तरीके से मैं दूसरा भी डाल देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से डालना है। सबसे पहले मैंने इस पे ऑयल डाल दिया है, और अब जो है हम लोगों का ये पराठा जो मैंने बनाया, ये देखें कितना बेहतरीन सा हम लोगों का रेडी हुआ है। ये इस तरह से देख सकती हैं आप, दोनों तरफ से हमारा हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत जबरदस्त सा कलर भी आया है और बेहतरीन तरीके से कुक भी हो चुका है। इसे अब हम लोग निकाल लेंगे। ये देखें अब हमारा जो है ये पराठा सब रेडी हो चुका है, अब हम लोग इसे डिश आउट कर रहे हैं इस तरीके से। देखें कितना बेहतरीन रेडी हुआ है, आप देख सकती हैं इसमें लेयर बाय लेयर आपको दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसे जो है इस तरीके से जो है आप चाहती अगर हैं इसे जो है इस तरीके से बहुत गर्म है ये, आराम से कीजिएगा इस तरीके से कीजिएगा ना, तो इसमें और अच्छे से आपको लेयर दिखेगा। दोनों हाथों से इस तरह से कर दें हल्का, आप बिल्कुल इसे क्रश नहीं कर देना है, हल्का हल्का सा इस तरीके से कि इसमें लेयर जो है आपको और अच्छे से दिखे। देख सकती हैं आप और अच्छे से इसमें लेयर आ चुकी है। इसी तरीके से अगर आप सभी को करना चाहती हैं तो इस तरीके से हल्का हल्का सा कर दें, सभी का अच्छे से लेयर दिख जाएगा। और मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ इस तरीके से। ये देखें, ये देखें इस तरीके से हमारा ये लच्छा पराठा रेडी हो चुका है, बहुत जबरदस्त सा। और आप देख सकती हैं इसमें, ये देखें इस तरीके से बहुत जबरदस्त सा ये लग रहा है, आप देख सकती हैं। और लेयर भी इसमें आप देख सकती हैं अच्छे से आ चुकी है हमारी, कितनी बेहतरीन से सारी लेयर भी दिख रही है हमारी। इसी तरीके से इसे डिश आउट करें और इसे सर्व कर सकती हैं आप गर्मा गर्म चिकन के साथ। हमारी कई सारी चिकन की रेसिपी है, आप चेक कर सकती हैं, भोपाली खोरमा है, फिर आपको चिली चिकन है, बहुत सारे चिकन की मैंने आपको रेसिपी दे रखी है, चंगेजी है हमारा, कढ़ाई है, किसी के साथ भी आप इसे सर्व करें बहुत जबरदस्त लगता है। जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको लच्छे पराठे की बिल्कुल सॉफ्ट एंड लेयर बाय लेयर आपको हमारी रेसिपी ये लच्छे पराठे की किस तरीके की लगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन मिलेगा बेहतर रहेगा उस पर क्लिक कर लें, सो डैट यू विल बी अपडेटेड विथ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। लाइक करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दोबारा से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुछ और नई लजीज रेसिपीज के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।